good morning and assalamu alaikum dear students of class 6 dear students today you will learn about the current that what is current and how the current can pass and the how the current can be measured okay so as you know that in atom there are two types of electric charge जो एटम होता है हमारे पास आपको पता है कि एटम क्या होता है एटम इज द स्मॉल पार्टिकल इट इज़ नॉट स्मॉल पार्टिकल बिकॉज एटम इज़ इट्स सेल्फ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके सो इन एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है चार्ज मीन्स कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी पॉजिटिव चार्ज ये टू टाइप्स की होती है यानी कि ये कितने किस्म की होती है दो किस्म की होती है ठीक है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो होती है निगेटिव ये इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है निगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमेशा एटम से हर वक्त अटैच नहीं होते ये मूव करते रहते हैं इधर से इधर ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर एटम की अगर हम बात करें तो उसकी जो वायर होती हैं वो क्या करती हैं वो फ्लो करती हैं करंट को बेटा आपको पता है कि जो करंट पास होता है जो बिजली पास होती है जो हम तक हमारे घरों तक बिजली आती है जो करंट आता है करंट मीन्स जो लाइट आ रही होती है हमारे पास ठीक है वो वायर्स के ज़रिए आती है अब जो वायर्स होती हैं ये वायर्स बनी हुई होती हैं किसकी कॉपर की कॉपर एक एलिमेंट है ठीक है कॉपर की इसलिए ये बनी हुई होती है क्योंकि कॉपर में से जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी इजीली करंट जो है वो क्या होता है पास होता है ठीक है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये स्विच ऑन जब होती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन से या फिर उसको हम कहते हैं करंट जो हम लाइट को अगर हाथ डालें तो हमें क्या लगता है करंट होता है असल में ये जो करंट होता है ये एक्चुअल जो है ये क्या होती है ये इलेक्ट्रिसिटी होती है ये करंट जो होता है ये यूज समझे आप सब के इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है फ्लो कर रही है तभी हमारे पास क्या पहुँच रहा है करंट पहुँच रहा है ठीक है हाउ द करंट कैन बी मेजर्ड करंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर कोई भी हमारे घर के अंदर सर्किट है बेटा सर्किट जो बोर्ड लगे हुए होते हैं ना हमारे घर के अंदर जिसके अंदर हम स्विच डालते हैं जिनमें से करंट जो है वो क्या होता है पास होता है इसमें बल्ब होता है एक ठीक है और इसके बाद जो साइज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो हम जज कर सकते हैं जब हम उसकी ब्राइटनेस देखते हैं बल्ब की यानी कि हमें पता चलता है कि बल्ब जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी उससे करंट जो है वो कितना पास हो रहा है ठीक है उससे करंट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास जो बल्ब है वो अगर तेज़ जल रहा है तो हम कहेंगे कि जो करंट है वो तेज़ है ठीक है और अगर करंट बल्ब जो है उसमें से थोड़ी सी लाइट मतलब आ रही हो यानी कि जब क्या कहते हैं कि डिम लाइट है यानी कि करंट जो है उस टाइम क्या होता है थोड़ा सा होता है ठीक है तो अब देखें कि ये हम जज करते हैं जब बल्ब को देखते हैं तब ठीक है तो जो ज़्यादा करंट होता है वो बल्ब को बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करता है यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी उतना बल्ब जो है वो क्या करेगा ज़्यादा ग्लो करेगा ज़्यादा जो है वो ब्राइटली होगा ज़्यादा ब्राइट होगा तो जो स्मॉल करंट होता है अगर छोटा सा एक करंट होता है तो बल्ब ग्लो डिमी सो दैट्स वाई वी कॉल दैट इट्स अ डिम लाइट ओके सो नॉट इट ऑल दिस मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट इनफ टू साइंटिफिक वर्क ये कोई एक मतलब साइंटिफिक मेथड नहीं है करंट को मेजर करने के लिए या ये देखने के लिए कि लाइट हमारे पास कितनी है ठीक है जो साइंटिफिक वर्क है जिस, जिस जिसको हम करंट को मेजर करते हैं वो होता है एमीटर। जिस तरह हम कहते हैं कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किसमें जोल्स में सॉरी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किसमें थर्मोमीटर में ओके सो okay? so, देखें कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट एमीटर जैसे कि हम कहते हैं कि हीट इज़ मेजर्ड इन जोल्स आरकिल्स टेम्परेचर इज मेजर्ड इन थर्मोमीटर हर एक चीज़ का अपना अपना यूनिट होता है तो हम किस तरह मेजर करते हैं करंट को ये हम करते हैं यूज जब एमीटर ठीक है तो जो करंट की आ, मतलब एक्यूरेट जो हमारे पास साइंटिफिक वर्क है ये हम किसके जरिए मेजर करते हैं एमीटर के साथ ठीक है एमीटर इज़ नॉट यूनिट बट इट इज़ यूज़ टू मेजर करंट uh, करंट को मेजर करने के लिए हम ये एमीटर ये एमीटर है ये यूज़ करते हैं ठीक है अब जो साइन जो साइज़ है करंट की जो मेजर करते हैं हम यूनिट्स में इसको हम बोलते हैं एम्पियर बेटा एक बात फिर से गौर से सुने कि जो साइज़ होती है करंट की उसको हम मेजर करते हैं किस में यूनिट्स में जिसका नाम क्या है एम्पियर ठीक है और उसके बाद जो शॉर्टनेज uh, होती है ठीक है यानी कि शॉर्टली हम इसको एम्पियर को यूज़ uh, uh, किस तरह बताते हैं एम या फिर खाली ए भी लिखते हैं ठीक है थीके? तो वन ए मीन्स करंट ऑफ वन एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू द सर्किट एंड सो ऑन यानी कि वन एम्पियर का मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है वो वन वन एम्पियर है ठीक है अब एमीटर क्या है एमीटर एक डिवाइस है ठीक है एमिटर हमेशा कनेक्ट होता है किसी सर्किट के साथ क्योंकि करंट जो है इस एमिटर के जरिए फ्लो करता है टू कनेक्टर्स होते हैं एमिटर के एक को लेबल करते हैं हम पॉजिटिव के साथ और दूसरे को हम लेबल करते हैं निगेटिव ठीक है तो अनलाइकली ये जो करंट के जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमिटर में ठीक है उसके बाद है एमिटर इन सर्किट एमिटर में क्या होता है कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि करंट इसमें से कांस्टेंट जो है ये क्या करता है फ्लो करता है ठीक है तो एमिटर को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं इस तरह एक्स वाई जेड पोजीशन में मतलब जो है हम इसको क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं ठीक है सो डेर स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर थ्री दिस इज एक्सरसाइज नंबर थ्री फ्रॉम बुक पेज नंबर फिफ्टी five this is your homework and also i will send you fair work in your group and you have to do your fair work thank you and allah bless